नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हमारे खास प्रोग्राम क्राइम 100 में। कोटा के कुवाड़ी थाना पुलिस ने मंगलवार को फीजा होटल के पीछे मकान के अंदर आईपीएल क्रिकेट मैच पे सट्टे की खाईवाली करते हुए क्रिकेट सट्टा के मुख्य सरगना इमरान हुसैन सहित 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2,83,25,900 रुपए बरामद किए हैं, 30,000 रुपए नकद बरामद किए, साथ ही एक लैपटॉप, एक LED, 7 मोबाइल और एक अन्य उपकरण जब्त किया है। कुनहाड़ी के एक होटल के पीछे बापू नगर में इमरान हुसैन के मकान में दबिश देकर क्रिकेट सट्टे के मुख्य सरगना इमरान हुसैन और सटोरिया राजा उर्फ सपनानी, वसीम खान और प्रकाश को आईपीएल क्रिकेट मैच में 2,83,25,900 रुपए के हिसाब और 30,000 रुपए नगद, एक लैपटॉप, एक LED, एक साथ और 7 मोबाइल अन्य उपकरण जब्त किए। अभियुक्त इमरान हुसैन, सटोरिया राजा उर्फ सपनानी, वसीम खान उर्फ प्रकाश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड प्राप्त की गई है, जिनसे अनुसंधान जारी है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट उपखंड में वक्तपुरा पेट्रोल पंप पर बुधवार को एक बदमाश ने 67,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक किस तरीके से पेट्रोल पंप कर्मचारियों के पास से पैसे छीन कर भाग निकला। नेशनल हाईवे 56 पर वक्तपुरा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए एक युवक ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ ही लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। पेट्रोल पंप कर्मचारी के पास से 67,000 रुपए छीन कर बदमाश वहां से निकला। पूरी घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। आपको बता दें, कोविड महामारी के बाद से ही जिले में ऐसी कई लूट की वारदात हो चुकी है। अभी पिछले दिनों के दरियावर क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना हो चुकी है। घटना की सूचना पीपलखूंट थाना अधिकारी को मिलने के बाद थाना अधिकारी धर्म सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली और सीसीटीवी फुटेज को लेने के बाद जांच में जुट गए हैं। पेट्रोल पंप मालिक की रिपोर्ट पर थाने में मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। जयपुर शहर के सांगानेर थाने में एक युवक की ओर से नीट की परीक्षा पास कराने का झांसा देकर 1,50,000 रुपए ठगने का प्रकरण दर्ज करवाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चोमू निवासी गोपुराम ने ये शिकायत दर्ज कराई है। उनका बेटा नीट की तैयारी कर रहा है और इसी दौरान उसकी मुलाकात किसी मनीष कुमार से हुई। इसके बाद मनीष कुमार ने अपनी पहचान कई बड़े मंत्रियों और अधिकारियों से होना बताकर नीट की परीक्षा पास कराने का झांसा दिया। वही नीट परीक्षा पास कराने के एवज में मनीष की ओर से 3,00,000 रुपए की डिमांड की, जिसके साथ ही 1,50,000 रुपए एडवांस ले लिए। आपको बता दें कि पीड़ित के बेटे ने नीट की परीक्षा दी लेकिन वे उसमें पास नहीं हुआ और जब इस बार पीड़ित ने मनीष से संपर्क किया तो उसने रुपए वापस लौटाने की बात कही और काफी दिनों तक टालता रहा। वही जब पीड़ित ने मनीष पर रुपए वापस लौटाने का दबाव बनाया तो मनीष ने रुपए वापस लौटाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित की ओर से सांगानेर थाने में मनीष के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस इस प्रकरण की जांच कर रही है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा
ईमेल या व्हाट्सएप करें। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। दौसा जिले के सिकंदर थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक छाया हुआ है। चोरों ने सिकंदर थाना क्षेत्र में पिछले 15 दिन में चोरी की दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बीते सोमवार रात को चोरों ने सिकंदरा कस्बे के डेहर की ढाणी में धावा बोलकर 5 मकानों की खिड़कियां तोड़कर उसके अंदर घुस गए और उसमें से करीब 10 लाख रुपए की नकदी और 10 किलो चांदी की जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं इस घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। आपको मालूम हो कि ये 15 दिन में दूसरी बड़ी चोरी की वारदात हो जाने के बाद ही पुलिस हाथ धरे बैठी है, जो आमजन के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें कि वही इस घटना के बाद अब कस्बे में सनसनी फैल गई है। इस घटना का पता ग्रामीणों को मंगलवार सुबह जब लगा, जब उसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना सिकंदर थाना पुलिस को दी, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। वही इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। ग्रामीणों ने कहा कि आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है, इसके बावजूद भी सिकंदर थाना पुलिस आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं कर पा रही, जो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। देश के सभी राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। सिंधरी बाड़मेर में भीलवाड़ा में हुई फायरिंग की घटना में शामिल संदिग्धों की धरपकड़ के दौरान बाड़मेर पुलिस ने सूचना पर सिंधरी थाना क्षेत्र में तस्करों के अवैध डोडा पोस्ट स्टॉक सप्लाई गोदाम का पर्दाफाश करते हुए 19 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट, 2 स्कॉर्पियो वाहन व हथियार सफाई के उपकरण बरामद करने में सफलता हासिल की है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबर है सीकर से। एक ओर जहां राज्य सरकार लगातार लोगों से संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइन के पालन करने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर मंगलवार को शहर में जन अनुसंधान पखवाड़े की धज्जियां उड़ाती देखने को मिली, जहां आवश्यक सेवाओं की आड़ में शहर के पिपराली रोड स्थित करियर लॉन्च कोचिंग में गली में एक कैफे संचालक द्वारा अवैध हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। शहर के युवा वहां बैठकर हुक्का का सेवन कर रहे थे। ऐसे में शहर में जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही टीम की मुखबिर से सूचना मिली कि पिपराली रोड पर एक ऐसे संचालक आवश्यक सेवा की आड़ में अवैध हुक्का बार संचालित कर रहा है। जब टीम द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो वहां कुछ युवक बैठकर हुक्के का सेवन कर रहे थे। टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से होटल संचालक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए उद्योग नगर थाने के SI कंचन ने बताया कि आज जब जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो मुखबिर से सूचना मिली कि पिपराली रोड स्थित कोचिंग के पास विक्ट्री कैफे में लोगों के अवैध रूप से हुक्का पिलाया जा रहा है। ऐसे मौके पर जाके कार्रवाई करते हुए कैफे संचालक श्रवण, क्रामिक राजेंद्र सहित वहां बैठकर हुक्का पी रहे कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।